स्टूडेंट, तो आज का हमारा टॉपिक सोरियसिस है। सोरियसिस जो कि एक प्रकार की स्किन की क्रॉनिक डिसीज कंडीशन होती है। सोरियसिस के ऊपर इंग्लिश में नोट्स के साथ वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम हिंदी नोट्स जो है उसके साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सोरियसिस होता क्या है। तो सोरियसिस स्किन जो है या त्वचा का एक प्रकार का क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है, जिसमें त्वचा के ऊपर चांदी जैसे चकत्ते बन जाते हैं, साथ ही वहाँ पर लाल कलर के उभरे हुए चकत्ते भी बन जाते हैं। सोरियसिस जो होता है वो असंक्रामक रोग होता है, मतलब यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं फैलता है। सोरियसिस जो है उसके कारण और रिस्क फैक्टर अगर देखें तो सोरियसिस जो है उसका प्रमुख कारण जो होता है वास्तव में किन कारणों से होता है वो तो अज्ञात होता है, लेकिन सोरियसिस जो है वो कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे एक तो आनुवंशिकता के कारण से हो सकता है, परिवार में किसी को सोरियसिस है तो उनमें बच्चों को होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा ड्रग जो होती है उसके कारण से हो सकता है, जैसे लिथियम कार्बोनेट है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग होती है, क्लोरोक्विन ड्रग है, इन ड्रग के कारण से भी सोरियसिस हो सकता है। एक इन्फेक्शन हो जाए, खास करके बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है उसका इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण से भी सोरियसिस कंडीशन हो सकती है। एक बार बार चोट लगने पर, खास करके घुटने या कोहनी जो है उस पर बार बार चोट लगती है, रगड़न होती है, तो उसके कारण से भी हो सकता है। एक मानसिक तनाव जो है उसके कारण से भी सोरियसिस के लक्षण जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। एक चिंता जो है उसके कारण से भी सोरियसिस के लक्षण गंभीर हो सकते हैं। हालांकि मानसिक तनाव से सोरियसिस होता नहीं है, लेकिन इसके कारण से सोरियसिस जो है उसके सिम्टम और ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। एक वातावरणीय कारक जो होते हैं, हालांकि ये सोरियसिस को पैदा तो नहीं करते, लेकिन सोरियसिस के लक्षणों को और गंभीर कर सकते हैं। जैसे कि मौसम के अंदर बदलाव होता है, अचानक से गर्मी से सर्दी आ जाए, या सर्दी से गर्मी हो जाए, या तेज़ धूप के अंदर चलना है, या धूप के अंदर जलना है, तो इत्यादि हो सकते हैं। तो ये तो इसके रिस्क फैक्टर या कॉज जो है वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं सोरियसिस जो है उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सोरियसिस के अंदर क्या होता है कि जहाँ पर सोरियसिस हो रहा है वहाँ पर एक तो बहुत तेज खुजली होती है, खुजली के साथ साथ वहाँ पर क्या होता है कि लाल कलर के उभरे हुए चकत्ते बन जाते हैं। लाल कलर के उभरे हुए चकत्ते बनते हैं, वहाँ पर कुछ समय बाद क्या होता है कि वाइट कलर की पपड़ी बन जाती है, और ये वाइट कलर की पपड़ी जो बनती है वो मेनली सिल्वर कलर की होती है, मतलब चांदी जैसे होते हैं। ये चांदी जैसे जो चकत्ते बनते हैं उसके आसपास में त्वचा जो है वो लाल कलर की हो जाती है। ये जो चकत्ते ज़्यादातर बनते हैं वो स्काल्प जो है, नी है, एल्बो है, या सैक्रम जो है वहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा जॉइंट जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। जॉइंट में इन्फ्लामेशन होता है उसको सोरियाटिक आर्थराइटिस कहा जाता है। एक नाखून जो होते हैं वो धसे हुए हो सकते हैं, पीले कलर के नाखून हो सकते हैं, और नाखून जो होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। इसके अलावा शाइनी सरफेस जो होती है, मतलब चमकदार सतह जो होती है, वहाँ से रक्त का स्त्राव होता है, मतलब वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये तो सोरियसिस जो है उसके लक्षण जो वो हो जाएंगे। अब बात करते हैं सोरियसिस जो है उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या किया जाता है, इसकी जांच कैसे की जाती है। तो सोरियसिस जो है इसके अंदर एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर स्किन जो है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। स्किन के ऊपर चांदी जैसे चकत्ते मिलते हैं, खास करके चकत्ते जो होते हैं घुटने हैं, कोहली है, या नी जो है वहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा दूसरा स्किन बायोप्सी जो है वो की जाती है। स्किन बायोप्सी के द्वारा भी इसकी जाँच की जाती है। नॉर्मली क्या होता है, सोरियसिस के अंदर सेल जो होते हैं वो सोरियाटिक सेल बदलते हैं, बाद में ही सोरेटिक सेल जो होते हैं वो बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं, उसके कारण से स्किन के ऊपर चकत्ते जो है वो बन जाते हैं, तो वो जांच की जाती है। एक अल्ट्रासाउंड जो है वो भी की जाती है, ताकि कोई डिसीज कंडीशन दूसरी तो नहीं है उसका पता लगाया जा सके। अब बात करते हैं सोरियसिस जो है उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, तो इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो सोरियसिस के अंदर यदि माइल्ड केस है तो उसके अंदर सनलाइट जो है उसकी एडवाइस दी जाती है। सनलाइट, सुबह की हल्की धूप जो है उसका सेवन करने की एडवाइस दी जाती है। सेकंड, टॉपिकल थेरेपी जो है, मतलब स्किन के ऊपर लगाने वाली क्रीमें दी जाती है। स्किन के ऊपर जो टॉपिकल थेरेपी में काम में ली जाती है उसमें एक तो एंथ्रेलिन होता है, ये सोरियसिस को कम करता है। एक रेटिनोइड जो होता है वो काम में लिए जाते हैं। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है, जैसे बिक्लामेथाजोन जो होता है, या क्लोबिटासोल जो है, हाइड्रोकॉर्टिजोन जो है, तो ये भी इन्फ्लामेशन जो इसको कम करते हैं। ये विटामिन डी जो होता है वो भी सोरियसिस जो इसको रिलीव करता है उसको कम करने का काम करता है। टजारोटेन करके ड्रग होती है, ये टजारोटेन ड्रग जो होती है वो मेनली इन्फ्लामेशन जो हो रहा है उसको कम करती है, साथ ही सोरियाटिक कोशिकाएं जो होती है सेल जो है उसकी एक्टिविटी को कम करती है, उसके सेल डिवीजन को कम करती है। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो टॉपिकल इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। टॉपिकल इंजेक्शन का मतलब जहाँ पर चकत्ते बन गए हैं वहाँ पर इंजेक्शन के माध्यम से कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, ये क्या करता है कि वहाँ पर इन्फ्लामेशन जो हो रहा है उसको कम करता है। एक तार जो है उसका प्रिपरेशन जो होता है, कोलतार जो है वो काम में लिया जाता है। ये कोलतार जो होता है वो मेनली क्या करता है, इन्फ्लामेशन जो होता है उसको कम करता है, और साथ ही साथ सोरियाटिक सेल जो होते हैं उसमें जो सेल डिवीजन हो रहा है उसको
भी कम करता है। एक टेरोराइड रेटिनॉइड जो होते हैं वो काम में ले जाते हैं। ये टेरोनाइड रेटिनॉइड जो होते हैं वो मेनली माइल्ड या मॉडरेट केस जो होता है सोरियसिस के उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगला फोटोथेरेपी जो है वो काम में ली जाती है। फोटोथेरेपी के अंदर क्या होता है कि सोरालाइन करके मेडिकेशन होती है जो पेशेंट को ओरल दी जाती है। ये सोरालाइन जो होती है वो क्या करती है कि स्किन जो है उसको सेंसिटिव बना देती है। उसके बाद एक विशेष प्रकार की रोशनी होती है, अल्ट्रावायलेट ए रोशनी होती है, प्रकाश होता है। ये प्रकाश जो होता है वो जहाँ पर सोरियसिस हो गया है उसके ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है। ये प्रकाश क्या करता है कि वहाँ के सेल जो होते हैं उसके अंदर जो सेलुलर प्रोलिफरेशन हो रहा है, मतलब सेल डिवीजन जो हो रहा है उसको रोकता है और इस तरीके से उसको ठीक करता है। तो ये तो सोरियसिस का मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। लास्ट में बात करते हैं सोरियसिस जो है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सोरियसिस के अंदर क्या करते हैं कि पेशेंट जो है उसको एक तो डिसीज के बारे में बता देना है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बता देना है, क्योंकि सोरियसिस का ट्रीटमेंट जो है वो लंबा चलता है, ये एकदम से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। सेकंड, इस पेशेंट जो है उसको स्किन की देखभाल के लिए सलाह देनी है, स्किन जो है अच्छे से वॉश करना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है ताकि दूसरा कोई इन्फेक्शन जो है नहीं हो, एक धूप में जाने को उसको मना करना है, साथ ही साथ संतुलित पोषण जो है वो लेने के लिए एडवाइस देनी है, मतलब विटामिन जो है रिच डाइट लेनी है, खास करके विटामिन ए और विटामिन डी जो है, विटामिन सी, उससे रिच डाइट जो है वो लेने की एडवाइस देनी है। इसके अलावा एक्सरसाइज जो है वो करने की एडवाइस देनी है, मेडिटेशन करने की एडवाइस देनी है ताकि स्ट्रेस या तनाव के कारण से स्थिति गंभीर हो रही है वो नहीं हो। एक पेशेंट को एडवाइस देनी है कि घाव जो है उसको खुरचे नहीं है, बहुत ज़्यादा खुजली नहीं करे, क्योंकि घाव को खुरचने के कारण वहाँ सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए साथ में पेशेंट के नाखून जो है वो भी क्या कर देना है, कट कर देने। एक पेशेंट जो है उसको गुनगुने पानी से नहाने की एडवाइस देनी है, उसको कहना है कि न तो गर्म पानी ज़्यादा, न ही ज़्यादा ठंडे पानी से नहाए, गुनगुने पानी से नहाए, साबुन का इस्तेमाल जो है वो मना करना है, या माइल्ड सोप जो होता है वो इस्तेमाल करने की एडवाइस देनी है। नहाने के बाद बॉडी को अच्छे से ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद कोई अच्छा इमोलियंट जो होता है जैसे कि कोकोनट ऑयल है, ओलाई ऑयल होता है, पेट्रोलियम जेली जो है तो वो लगाने की एडवाइस देनी है। इसके अलावा खुजली जो है वो कम करने के लिए कैलामाइन लोशन जो है उसकी एडवाइस देनी है। एक इचिंग जो हो रही है तो उसको कम करने के लिए कोल्ड कंप्रेस जो है उसकी एडवाइस देनी है। एक पेशेंट को एडवाइस देनी है कि सूती ढीले कपड़े जो है वो पहने। तो ये तो सोरियसिस का नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो हो जाएगा। सोरियसिस के ऊपर इंग्लिश नोट्स के साथ भी वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।